analysis some important periodic properties of elements on wars. उसी को आगे बढ़ाते हुए तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो जो विज्ञान प्लस टू में काम देगा. तो नंबर फर्स्ट है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर. धातु और अधात्विक गुण. मेटलिक कैरेक्टर में भी कंसिडर्ड एज द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस. मेटलिक कैरेक्टर का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आवेशित आयंस बनाना. दस एलिमेंट विच रेडली लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म के आयंस आर कॉल्ड आर मेटलिक इन नेचर. इसलिए वह एलिमेंट जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वह के आयंस बनाता है वो उसमें धात्विक गुण उतना ही ज्यादा होता है. This may be expressed as M is the metal, E is the electron loss via phosphorus charge. For example, sodium has more tendency to lose electrons than magnesium. Magnesium की तुलना में sodium आसानी से electron को lose करता है. So sodium is more metallic. Then magnesium. अब है इसका ट्रेंड्स में मेटलिक कैरेक्टर का ट्रेंड्स पीरियड में क्या होता है ग्रुप में क्या होता है. द वेरिएशन इन पीरियड्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड. जैसे ही हम पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है यानी घटता है व्हाइल नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ता है. अब वेरिएशन इन ग्रुप ग्रुप में द मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है तुम्हारा एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रो आवर्त सारणी का लाभ. नंबर फर्स्ट है दैट पीरियोडिक टेबल हैज मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड सिस्टमैटिक एंड ईजी. आवर्त सारणी की सहायता से एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स का अध्ययन आसानी से और नियमित ढंग से किया जाना संभव हो सका. नंबर सेकेंड है द टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय नोइंग द पोजिशन ऑफ प्रिडिक्टेड. कंपाउंड का प्रकार उसी एलिमेंट के द्वारा बनाए जाने वाले कंपाउंड्स के बारे में जानकारी हासिल किया जा सकता है पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट के स्थान को देख करके. नंबर थर्ड है दैट पीरियोडिक टेबल हैज बीन यूजफुल टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स. पीरियोडिक टेबल बहुत ही उपयोगी साबित हुआ नए तत्व के अस्तित्व का पता लगाने के लिए. नंबर फोर्थ द एटॉमिक मासेज ऑफ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन चेक्ड एंड कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के आधार पर उसके एटॉमिक मास को सही किया गया. नंबर फिफ्थ है इन द पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन टूगेदर इन सेवरल ग्रुप्स. एलिमेंट्स को समान गुण वाले तत्व को एक ही ग्रुप में रखा गया. इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप आर नोन यदि उस ग्रुप के एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज ज्ञात हो देन प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कैन बी प्रिडिक्टेड. तो उस ग्रुप के अन्य एलिमेंट के गुण को ज्ञात किया जा सकता है. तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज फिर एग्जाम्पलर क्वेश्चन स्टार्ट करें. आज इतना ही. गुड नाइट. थैंक यू.